हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एजुकेशन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, और ये सब्जेक्ट आगा बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर एनपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम इन्हीं का है सबका। तो जो क्वेश्चंस मैं बताऊँगा उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, जो सिलेबस मैं बताऊँगा उनको पढ़ना, जो पैटर्न मैं बताऊँगा उनको फॉलो करना। तो पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं वीडियो। तो एजुकेशन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, और आज की वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगी। सिलेबस में इंग्लिश में समझा रहा हूँ, बट हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोनों मीडियम के लिए रहेंगे, पैटर्न भी दोनों मीडियम के लिए रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की बात की जाए, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला इसमें जो सिलेबस यूनिट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो जो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी पॉलिसी आई है उनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहली पॉलिसी कौन सी थी? सबसे पहली पॉलिसी थी आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी पॉलिसी आपकी 1986, तीसरी पॉलिसी आपकी 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, उसके बाद आपको एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया आपका फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें GER NER पपिल टीचर रेशियो, ठीक है, ये आपका रहेगा। यूनिट टू में पढ़ोगे स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, जो इंडिया में जो स्कूल की जो एजुकेशन है उसके ऊपर क्या क्या कमीशन की रिपोर्ट थी, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या कारण है, मतलब जिससे बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या क्या गवर्नमेंट ने ऐसी योजनाएं चलाई, ना सारा आप पढ़ोगे। जैसे इसमें आपका कॉमन स्कूल सिस्टम, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, कोठारी कमीशन का आपको पढ़ के आना है, विजन ऑफ कॉमन स्कूलिंग। ठीक है, दूसरा आपका सिस्टम ऑफ स्कूल टाइप एंड पब्लिक प्राइवेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड रन बाय ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, तो ये सारा रहेगा, जैसे पब्लिक प्राइवेट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं। तीसरे में आपका जो प्राइवेट स्कूल में जो रेगुलेशन की जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। चौथा इसमें आपका रहेगा था रोल ऑफ वेरियस नेशनल स्टेट लोकल लेवल बॉडीज इन एजुकेशन लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, यानी NCERT के बारे में आपको पढ़ के जाना है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग SCERT, डायट NIOS बोर्ड एजुकेशन, देखिए NIOS भी इन्होंने डाल दिया, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट बोर्ड्स, ये सारा आपको इसमें कवर करना पड़ेगा सिलेबस में। ठीक है, फिर आपका इसमें इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंटेटिव सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, समग्र शिक्षा मिड डे मील प्रोग्राम, स्पेस फॉर ईटिंग टुगेदर, ये तो सारा मिड डे मील वगैरह मिलता है, मतलब कुल मिला के सारा आपको कवर करना है। तीसरा यूनिट है आपका हायर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जो इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन है, जो कि आप कर रहे हो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ये सब हायर एजुकेशन में आता है। इसमें आपका क्या क्या रहेगा? इशूज एंड हायर एजुकेशन एक्सेस इक्वलिटी रिवलेंस क्वालिटी चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी रेगुलेशन हायर एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट के सामने, क्या क्या चुनौती आती है, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC का क्या रोल है ना, NAAC का क्या रोल है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, कितने टाइप्स की यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल स्टेट प्राइवेट ओपन अभी आप कर रहे हो एंड डीमेट। ठीक है, कंटेम्प्री इशूज रोल ऑफ द ग्लोबल मार्केट गेट्स एंड एजुकेशन, तो पूरा सिलेबस है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो सिलेबस है ना इस सिक्स सेमेस्टर से बिल्कुल सेम है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो इसमें रहेगा, 1968 में शिक्षा पर कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों की व्याख्या करें। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, पैटर्न भी दिखाऊंगा, पेपर इसका कैसा आता है। दूसरा, भारतीय शिक्षा पर कोठारी आयोग द्वारा किस प्रकार की शिक्षा संरचना प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्याचार्य सुधार के बारे में कोठारी आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे। फिर आपका, क्या अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, अपने तर्क के समर्थन में कारण बताइए। फिर आपका, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई पहलों पर विस्तार से चर्चा करें। फिर आपका, भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली में कोठारी आयोग द्वारा किया गया परिवर्तन सुझाए गए थे वो क्या थे। ठीक है, भारत में साक्षरता में सुधार के लिए वयस्क शिक्षा के संबंध में, मैं कह रहा हूँ कोठारी आयोग को घोल के पी जाओ, सिंपल सी बात है,
कोठारी आयोग की रिपोर्ट से ही क्वेश्चन ज़्यादा बन देंगे। 1968 में क्या सिफारिशें सुझाई गई थी? फिर आपका है उच्च शिक्षा, देखिए आ गया UGC के ऊपर, उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी आपका रहेगा RMS है, इसके बारे में बताना है, इसकी योजनाएँ क्या है। फिर आपका NER GER सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंधों पर चर्चा करें, ये भी पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशें के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, ICI के लिए राष्ट्रीय नीति 2012 के बारे में भी बताना है, ये भी थी। और GER का अनुपात क्या है, पात्र अनुपात क्या है, इंडियन गैर कम क्यों है, ठीक है, आपको बताना है। NCERT का कार्य क्या है, देखिए NCERT की बुक आप पढ़ते हो तो उसका कार्य भी बहुत कुछ होता है, वो भी आपको बताना है। ठीक है, पाठ्याचार्य सुधार के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसके उद्देश्य विशेषता क्या है, पढ़ के जाना आपको, इसके आर्टिकल गूगल पे मिल जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के चार प्रमुख कौन कौन से हैं, राज्य शिक्षा अभियान के चार प्रमुख कौन कौन से आपको बताना है। ठीक है, फिर आपका पाठ्य पुस्तक के शिक्षण और गुणवत्ता में सुधार के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करें। फिर आपका रहेगा GER और ER की तुलना करें, ये भी पढ़ के आना। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर आपका है मध्याह्न भोजन नियम मिड डे मील रूल 2015 का वर्णन करना है। फिर आपका भारत में प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, जो मिड डे मील मिलता है एलिमेंट्री स्कूल में, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय कौन कौन से है, क्या है, जैसे पब्लिक सेक्टर विश्वविद्यालय ओपन है, डीमेड है, सेंट्रल है, सब का आपको बताना है। भारत में विभिन्न प्रकार के स्कूल है, जैसे निजी यानी प्राइवेट, सरकारी सहायता प्राप्त, क्या निजी स्कूल बेहतर है, क्या प्राइवेट स्कूल बेहतर है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए, बना के लिख सकते हो। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र राज्य स्थानीय निकायों की भूमिका का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों का वर्णन करें, नीति और सक्षम वातावरण का वर्णन करें, खुली शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्क्राइब फीचर ऑफ ओपन एजुकेशन, जो कि आप अभी आप कर रहे हो, SOL के बच्चे जो कर रहे हैं, IGNOU के बच्चे जो कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के संक्षेप में बताइए, देखिए नई शिक्षा नीति कौन सी है, NEP, जी हाँ NEP की बात कर रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ के जाना 2020, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे 101%। शिक्षा पर राजनीति 1968 पर चर्चा करें, शिक्षा में मन आपका डाई, ये डाइट है वैसे, डीएट, ये डाई हो गया, इसको काट देना, ठीक है, डीएट है, डीएट इन एजुकेशन, जो कि SCERT का कराता है, DED DLED जिसे कहते हैं, उसकी भूमिका का वर्णन करना है। कार्यक्रम 1992 क्या था, प्रोग्राम एक्शन 1992 का आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की चुनौतियों की व्याख्या करें, सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को हकीकत बनाने में रास्ते में आने वाली मुश्किलें क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनने को देखते हैं। फिर आपका क्या ये संभव है कि एक भवन में अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े अलग अलग पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हो, इस तरह की शिक्षा क्या, छात्रों शिक्षकों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। फिर आपका कई विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं, ये कैसे संभव है कि समझाए, ऐसी किसी पाठ्यक्रम का चयन करते समय छात्रों किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का विचार करना चाहिए। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की जांच रखरखाव में NAACC यानी NAAC की भूमिका बतानी है। मान्यता से आप क्या समझते हैं, मान्यता क्या है, गुणवत्ता के क्या लाभ है। वित्त पोषण शिक्षा के स्रोत बताइए, संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट करें। शिक्षा के निजीकरण के परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता समानता सुनिश्चित करने पर होते, बयान पर टिप्पणी करें। आजकल शिक्षा के निजीकरण की ओर रुझान है, यानी आज के टाइम में जो एजुकेशन है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप इसके लिए क्या कारण बताते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, शैक्षिक अवसरों की बराबरी प्रदान करने में इसका क्या प्रभाव होगा, सामान्य स्कूल प्रणाली शिक्षा में समानता ला सकती है, इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है करें। परिचालन ब्लैक बोर्ड की व्याख्या करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, शिक्षा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की भूमिका के बारे में बताएं, बस यही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब पैटर्न लिखा है तो पेपर इसका आता कैसा है, तो देखिए लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट, यही सेम सिलेबस 6th सेमेस्टर वालों के पास था और यही सेम सिलेबस आपका 4th सेमेस्टर के पास है।
ठीक है, पैटर्न में इतना चेंज रहेगा, पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, ठीक है। इनका 100 का है, आपका 90 का आ सकता है, 3 घंटे का समय, और टोटल 5 क्वेश्चन आपको भी करने होंगे। सिलेबस दोनों का सेम है, ये बार कह रहे हैं सर 6 सेमेस्टर, नहीं दोनों का सिलेबस सेम है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे इसमें बनते, देखिए वही सब्जेक्ट है सेम, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बता देता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन बन गया ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का क्या महत्व होता है, 1986 एनपी 2020 की नीति से विशिष्ट उदाहरण लेते हुए चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। दूसरा आपका, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, एक तो UGC करती है, एक NAAC करती है ना, एक आपकी और है, कई सारी ये संस्थाएं, उनके बारे में आपको बताना है। तीसरा, समपोषणीय विकास के लक्ष्य को पाने में शिक्षा भूमिका पर चर्चा करें, एक ये क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। महामारी के दौरान, देखिए कोविड वाला क्वेश्चन तो मैं क्या ही कहूँ, बनेगा, महामारी के दौरान 18 महीने तक स्कूल बंद रखने की नीति पर आलोचनात्मक चर्चा करें, उसका बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा के निजीकरण का ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे क्वेश्चन में बनती थी कि प्राइवेटेशन का आ गया ना, जो प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन आज के टाइम पे हो रहे हैं, एक स्कूली शिक्षा बोर्ड की क्या भूमिका होती है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हवाले से चर्चा करें, जैसे CBSE के बारे में आपको बताना है। सातवां आपका, निजी विश्वविद्यालय के फैलने से युवा के सामने किस तरह की चुनौतियां फेस आती है, यानी आज के टाइम में जो प्राइवेट स्कूल इतना ज़्यादा हो चुके हैं, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जिससे युवाओं के सामने क्या चुनौतियां आती हैं। आठवां क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में वित्तीय अनुदान देने और पाठ्याचार्य प्रावधान करने में राज्य सरकारों की भूमिका पर चर्चा करें। तो ऐसे पेपर इसमें बनता है, एक तो पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पैटर्न तो ये है, दूसरा भी दिखा देता हूँ, वो भी आप देखिए। एक पैटर्न ही है, मैं सारे पैटर्न दिखा रहा हूँ, जितने भी पैटर्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, ये पेपर आपका आएगा 90 नंबर का, ठीक है। पैटर्न 70 का नहीं आएगा, वही सब्जेक्ट एजुकेशन इंडिया पॉलिसी प्रैक्टिस वाला, 3 घंटे दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन देखिए वो पैटर्न देख लिया, एक पैटर्न ये बन सकता है आपसे, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में आवासीय विद्यालयों की क्या भूमिका है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यानी जो अगर आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा सा तभी आप बना के लिख सकते हो, है ना। दूसरा, विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग द्वारा दी गई मुख्य अनुशंसाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करें, देखिए कोठारी वाला भी पूछा गया, ठीक है। तीसरा, ग्रामीण युवाओं के लिए मुक्त और दूरदर्श शिक्षा के प्रावधान पर आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। चौथा, स्कूल वर्ग में आधारित विषमता को आकार देने वाले विभिन्न कारक कौन से होते हैं। पांचवा, बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और उनका अधिगम स्तर पर ऊपर उठने के लिए आपका मिड डे मील जो भोजन होता है उसकी क्या भूमिका होती है ताकि बच्चा रहे स्कूल में। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद किस प्रकार योगदान देती है, NCERT के बारे में बता रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की स्कूलिंग पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा करें कि सारे बच्चे 8वीं तक पास किए जाएंगे, सबको सब फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। आठवा आपका, यशपाल आयोग की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के द्वारा मुख्य अनुशंसा को समझाइए, देखिए यशपाल वाला आपके में नहीं है वैसे, बट पढ़ के जाना यशपाल रिपोर्ट, वैसे ऑप्शनल में रहेगा तो कर भी सकते नहीं भी कर सकते। एक पैटर्न ये हो गया, अब एक पैटर्न और दिखा देता हूँ, 3 पैटर्न में डिस्कस करूँ, अब मुझे लगता नहीं इनसे बाहर क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक। एक पैटर्न ये पेपर भी देखिए, ये भी एक नया पैटर्न है आज ही का, 90 नंबर का, जो पैटर्न था रेगुलर का था, ये 2 SOL के हैं, ये पेपर आपका 90 नंबर का, 3 घंटे आपके दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन में आपको करने होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ देखिए सारी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वही आ रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का महत्व होता है 1986 और अभी की विशिष्ट उदाहरण देते हुए चर्चा करें, है ना। देखिए वही वाला पैटर्न आ रहा है ना, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, पेपर आपका ऐसे ही पूछा जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बस इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, थैंक यू।